सुप्रसिद्ध हाजी मिठाईचा नाशिक मध्ये नव्या जागेत शुभारंभ। 100 म्हशी ज्यांच्या घरी त्यांचीच मिठाई शुद्ध आणि खरी असं ब्रीदवाक्य असलेले हाजी मिठाई हे 1985 पासून दूध, दुग्धजन्य पदार्थ आणि मिठाई यासह नाशिककरांच्या सेवेत आहे। 1985 साली हाजी उल्लादीन कोकणी यांनी दुधाचा व्यवसाय सुरू केला। नाशिककरांना उत्तम सेवा दिल्यानंतर हळूहळू त्यांनी दही, चक्का, दूध या विक्रीतून मिठाई देखील बनवण्याचं काम सुरू केलं। हाजी मिठाई नाशिककरांच्या पसंतीस उतरली आणि आज नाशिककरांच्या जिभेवर हाजी मिठाईची चव रेंगाळते। हाजी मिठाईचे संचालक हाजी चिरागोद्दीन कोकणी आणि त्यांचे चिरंजीव उजेफा कोकणी यांनी हाजी अल्लादीन कोकणी यांच्याच प्रमाणे नाशिककरांना प्रामाणिकपणे सेवा दिली। 100 म्हशी ज्यांच्या घरी त्यांचीच मिठाई शुद्ध खरी ही परंपरा तशीच त्यांनी आजपर्यंत टिकवून ठेवली। नाशिकच्या सारडा सर्कल येथे नवीन जागेत आता हाजी मिठाईचं दालनाचं स्थलांतर करण्यात आलंय। या ठिकाणी नाशिककरांना सर्व प्रकारच्या मिठाई, ड्रायफ्रूट, सर्व प्रकारचे कोल्ड ड्रिंक्स तसेच नामांकित कंपन्यांचे वेफर्स, चिप्स, चटपटी चाट, कचोरी, समोसा यासह उत्तम दर्जाचे आणि सर्व प्रकारचे केक्स, बेकरी प्रॉडक्ट्स आता उपलब्ध आहेत। हाजी मिठाई या दालनाला सण, उत्सव आणि आनंदाच्या क्षणी तोंड गोड करण्यासाठी, मिठाई घेण्यासाठी नागरिकांची प्रचंड गर्दी असते आणि या नवीन दालनात देखील अवश्य भेट द्यावी असं हाजी मिठाईचे संचालक हाजी चिरागोद्दीन कोकणी यांनी सांगितलं। दरअसल आज का दिन मैं बड़े खुशी के साथ कहना चाहता हूं, हाजी मिठाई ये जो नाम आज का नहीं है, काफ़ी सालों से इसके अंदर काम हुआ है। जिस वक्त में कि नासिक शहर में गिनती के 2 या 3 दुकानें मिठाई की हुआ करती थी, जैसे पांडे या अग्रवाल वगैरह जो थे, और उस वक्त में हाजी मिठाई का उगम हुआ था। यूँ समझिए कि पिछले काफ़ी साल हो चुके, मैं बता भी नहीं पाऊँगा कि कितने साल गुजरे। और उस वक्त की सबसे पहली ज़रूरत ये थी कि नासिक में हमारे खुद के भैंसे होने की वजह से दूध का बिक्री बड़ी मुश्किल से हुआ करती थी, और उसका जिस वक्त में बाज़ार डाउन होने का या उसकी रेट कम हो जाने की, तो हम लोग परेशान हो जाते थे। किसी हमारे साथी ने मशवरा दिया कि भाई आप इसके अंदर कुछ प्रोसेस किया करो, तो शुरू किए हमने। सिर्फ दही बनाकर और उसका चक्का बनाकर बेचने लगे, कुछ घी बनाकर बेचने लगे, और ऊपर वाले की मेहरबानी और पूरे शहर के लोगों का जो साथ हमको मिला, तो धीरे 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 होते होते काफ़ी तरक्की किए। और बीच में देखो, हर चीज़ की एक अप्स एंड डाउन्स होती है, ऐसे थोड़ा बीच में कुछ दिनों के लिए हमारे दुकानें भी कम हुई, पता नहीं क्यों लोगों का कुछ टेस्ट बदला या लोग फिक्रमंद हो गए सेहत के कि मीठा खाना गलत है या मिठाई से शुगर बढ़ती है, लेकिन ऐसा नहीं है। असली चीज़ खाना अगर है तो मैं गारंटी से कहूँगा कि हाजी मिठाई जो है ये प्योर और प्योर और प्योर ही होती है। मैं चिराग अलाउद्दीन कोकणी नाशिककर, आणि मुळात मी हाजी मिठाई व्यवसाय सांभाळणार चिराग अलाउद्दीन कोकणी। ही दालन आमची 1985 पासून आहे आणि स्वतःचा दूध, स्वतःचा शेती विजे व्यवसाय असल्यामुळं दूधाचा धंदा आम्ही चालू केला होता। दुधाचा धंदा असल्यामुळं त्याचं जे दूध निघलं ते दुधाची आम्ही विल्हेवाट लावण्याकरता हा धंदा चालू केला होता 1985 मध्ये। आज तो मोठा होऊन 2024 मध्ये आला आणि आता ही नवीन वळण आली आहे, त्याला नवीन नवीन पोरं ॲड झाले। आज माझा मुलगा याच्यात 3री पिढी आहे, ती आता हे धंद्याला पुढे नेत आहे। आणि आत्ता नवीन पद्धतीने, नवीन पॅकेजिंग, नवीन सिस्टम, पण क्वालिटी काहीच कम्प्रोमाइज नाही। तीच क्वालिटी, तीच सगळं काही, तीच लोक, तीच गोड लोक, तीच नाशिकचे गोड लोक आमच्याकडं, आणि आम्ही पण गोड, ते पण गोड, ते सगळ्यांना सांगतो। थोडं लक्ष असू द्या, ध्यान असू द्या, हेच माझी विनंती आहे, फुलकीची माझं बोलणं आहे नाशिककरांना फार सुरू। मैं उदयपा कोकणी हाजी मिठाईचे, और आज हमारे शॉप की, न्यू शॉप की ओपनिंग हुई है साडा सर्कल नासिक में,
और हमने ये शॉप थोड़ी अलग तरीके से बनाई है, न्यू शॉप है। इधर हर चीज मिलेंगी आपको, जैसे चाट, फरसान, केक और मिठाई। और 1985 से हमने जो मिठाई की दुकानें हैं हमारे, दूध से निर्माण की हुई है हाजी मिठाई, भैंसों का दूध से जो हाजी मिठाई बनी 1985 में, अभी 2025 में हाजी मिठाई को 40 साल हो जाएंगे। और मैं सब लोगों से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आइए हमारी दुकान पे, विजिट दीजिए और एक बार देखिए। और प्योरिटी जो हमारा स्लोगन है, शंबर मशी जैनचे घरी तैंचीच मिठाई शुद्ध खरी, ऐसा जो स्लोगन है, ये प्योर खाली बोलने के लिए नहीं है, मिठाई भी उतनी ही प्योर है। नासिक में हाजी मिठाई आप सब जानते ही है, और आके एक बार वापस से देखिए नई तरीके की जो हाजी मिठाई है उधर भी, और टेस्ट करिए वही टेस्ट जो 40 साल से आपको मिल रहा है, इंशाल्लाह आगे भी मिलता रहेगा और हाजी मिठाई का सफर आगे भी लंबा होता रहेगा। थैंक यू। या शुभारंभ प्रसंगी इब्राहिम कोकणी, गोहर कोकणी, कौसर कोकणी, गुलाम ख्वाजा कोकणी, सलीम खान, नदीम कोकणी, मुंबई येथून चावरे, सोंडे, पटेल आणि सरदार परिवार यांच्यासह हाजी मिठाईला शुभेच्छा देण्यासाठी हाजी मिठाईचे शुभचिंतक मित्र परिवार मोठ्या संख्येने उपस्थित होते। महाराष्ट्रासाठी प्रतिनिधी अनिल केदारे।